एवरीवन, मैं डॉक्टर सादिया वंजारा आज आपके साथ डिस्कस करूंगी पोस्चर के टॉपिक पर। पोस्चर जो वर्ड है, हम लोगों को अक्सर लगता है कि ये कोई किस्म की प्रॉब्लम है जो हम जिस तरह से खड़े रहते हैं, बैठते हैं। तो पोस्चर है चार किस्म के, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग एंड स्लीपिंग। ये चारों अलग अलग पोजिशंस में हमारी बॉडी का पोस्चर चेंज होता है, स्पाइन के साथ, मसल्स के साथ, इन चीज़ों के साथ रिलेशनशिप में हम हमारे पोस्चर को ये चारों पोजिशंस में चेंज करते हैं। तो पोस्चर जो है वो ये चार पोजिशंस में हमारी बॉडी की मसल्स, हमारी ग्रेविटी और हमारी बोन्स, इन तीनों चीज़ों का सम्मेलन जो है वो मिलाकर पोस्चर बनता है, स्पेशली हमारी स्पाइन। तो हमारी जो स्पाइन होती है, जो राइट फ्रॉम द बैक ऑफ द हेड से टेल बोन तक होती है, उनकी आसपास जो मसल्स होती हैं वो कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि कॉन्स्टेंटली काम करती है फॉर अस टू स्टैंड अपराइट ऑन द फ्लोर। जैसे आप देख रहे हैं मैं इस वक्त खड़ी हूँ, तो मेरी जो पोस्चरल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, सो दैट ग्रेविटी की वजह से मेरी बॉडी नीचे फ्लैट ना हो जाए, मैं नीचे गिर ना जाऊँ। तो ये पोस्चरल मसल्स हैं हमारी बैक ऑफ द नेक मसल्स, सो दैट मेरा हेड जो है मेरे शोल्डर्स पे ठीक से है। फिर है हमारी रीढ़ की हड्डियों की मसल्स, ताकि मैं ऐसे बेंड नहीं हूँ, मैं यूँ खड़ी हूँ, तो वो पोस्चरल मसल्स हो गई। और फिर जो है हमारी लेग मसल्स, हमारी काफ मसल्स, जो थिक मसल्स हैं, ब्लड पंपिंग का काम करती हैं, वेन से ब्लड्स को हमारी हार्ट की तरफ ले जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो है मिलकर एक अच्छा पोस्चर देती हैं स्टैंडिंग में। तो चलिए देखते हैं कुछ पोस्चरल एक्सरसाइजेस जो आपके पोस्चर को और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगी। बैड पोस्चर्स के जो दो सबसे सॉफ्ट टारगेट्स हैं वो है हमारी नेक और हमारे शोल्डर्स। तो चलिए हमारे शोल्डर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच देखते हैं। ये स्ट्रेच के लिए हमें हमारे हाथ को हमारे बॉडी के सामने लाना है, अक्रॉस लेना है, और दूसरे हाथ की मदद से हमें थोड़ा सा इसे स्ट्रेच देना है, इस तरह से कि आपकी शोल्डर की मसल्स को अच्छी तरह से आप स्ट्रेच फील करें, और मैक्सिमम स्ट्रेच के बाद काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। यही स्ट्रेच हम ऑपोजिट हाथ पे भी करेंगे। ब्रीदिंग का ध्यान रखें, स्ट्रेच और पेन के बीच का जो फ़र्क है आपकी फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएंगी। पेनफुल स्ट्रेच में नहीं ले जाना है, कंफर्टेबल पोजिशन में लेके जाकर फुल स्ट्रेच करके आपको 5 गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। ये रेपिटेशन आप कर सकते हैं 3 times, 5 times, होल्डिंग इट टिल द काउंट ऑफ 5, एज मेनी टाइम्स एज इट्स गिवन इन योर होम एक्सरसाइज प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू योर फिजियोथेरेपिस्ट। पेनफुल स्ट्रेच में नहीं ले जाना है, कंफर्टेबल पोजिशन में लेके जाकर फुल स्ट्रेच करके आपको 5 गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। मसल्स के लिए हम और एक स्ट्रेच देखेंगे, जहाँ पर हमारी बैक ऑफ द शोल्डर मसल्स और हमारी शोल्डर गर्डल पे किस तरह से एक ब्यूटीफुल स्ट्रेच हम ला सकते हैं। तो पोजीशन है कि आप अपने किसी भी एक हाथ को ओवर द हेड पोजीशन में ले जाइए, और दूसरे हाथ की मदद से एल्बो के नीचे उस हाथ को प्लेस कीजिए, और फिर उस हाथ को आप स्ट्रेच कीजिए। जब आप ये स्ट्रेच करेंगे, जो हाथ को आप स्ट्रेच कर रहे हैं उनकी आर्मपिट के अराउंड की जो मसल्स हैं, बैक की जो अपर बैक की मसल्स हैं, नेक की मसल्स हैं, इसमें आप बहुत अच्छा सा स्ट्रेच फील करेंगे। ध्यान रखें कि स्पाइन पे मूवमेंट ना हो, ये मूवमेंट हम खास करके शोल्डर जॉइंट और नेक एरिया में कर रहे हैं। स्ट्रेच को पकड़ के 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स। सेम हम डेमॉन्स्ट्रेशन देंगे ऑपोजिट हैंड के लिए, सो वील टेक दिस हैंड अप इन द अवेलेबल रेंज, इन द पेन फ्री रेंज, जितना हो सके हम स्ट्रेच करेंगे, होल्ड इट देयर, नो स्पाइन मूवमेंट्स एंड 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। तो ये थी हमारी शोल्डर की और एक स्ट्रेच एक्सरसाइज फॉर हैविंग अ ग्रेट पोस्चर।
जब आप ये स्ट्रेच करेंगे, जो हाथ को आप स्ट्रेच कर रहे हैं उनकी आर्म पिट के अराउंड की जो मसल्स हैं, बैक की जो अपर बैक की मसल्स हैं, नेक की मसल्स हैं, इसमें आप बहुत अच्छा सा स्ट्रेच फील करेंगे। ध्यान रखें कि स्पाइन पे मूवमेंट ना हो। ये मूवमेंट हम खास करके शोल्डर जॉइंट और नेक एरिया में कर रहे हैं। स्ट्रेच को पकड़ के 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स। अब हम देखेंगे कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपके बैक के लिए, क्योंकि पोस्चर की जब बात आती है तो उनके दो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, नेक और शोल्डर, और बैक भी एक थर्ड टारगेट है। तो चलिए देखते हैं कुछ नाइस स्ट्रेचेस फॉर योर बैक। स्टैंडिंग पोजीशन में हम एक स्ट्रेच करेंगे जिसे हम कहते हैं सिंपल हिप नी फ्लेक्शन, जिसमें हम अपने हिप को फ्लेक्स करेंगे, नी को फ्लेक्स करेंगे और हाथों की मदद से इनके पीछे, थाई के पीछे हाथ को लेके जाकर और थोड़ा स्ट्रेच करेंगे एंड 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। अगर आप ये स्ट्रेच इतनी अच्छी तरह से ना कर पाएँ जैसे अजिंक्य कर रहे हैं, यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ अ वॉल एंड देन डू दिस। अगर आपको लगता है कि आपको गिरने का डर है या मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है तो आप वैसे कर सकते हैं। वन मोर टाइम वील डू दिस स्ट्रेच ऑन द ऑपोजिट लेग विद द लेफ्ट साइड हिप नी फ्लेक्शन। हाथों की मदद से आप स्ट्रेच करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि अक्सर जब लोग ये स्ट्रेच करते हैं वो लोग घुटने के सामने के हिस्से को पुश करते हैं। जब हम ये कर रहे हैं हम नी पे फ्लेक्शन ज़्यादा दे रहे हैं, हमें फ्लेक्शन ज़्यादा चाहिए हिप पे, सो दैट हमारी ये वाली मसल्स पे अच्छा सा स्ट्रेच आ पाए। तो आप जब लाइन डाउन में भी करते हैं कोशिश कीजिए कि आप अपने हाथों को थाई के नीचे की तरफ रख के स्ट्रेच करें। तो ये थी आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर योर बैक। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि अक्सर जब लोग ये स्ट्रेच करते हैं वो लोग घुटने के सामने के हिस्से को पुश करते हैं। जब हम ये कर रहे हैं हम नी पे फ्लेक्शन ज़्यादा दे रहे हैं, हमें फ्लेक्शन ज़्यादा चाहिए हिप पे, सो दैट अच्छा सा स्ट्रेच आ पाए। तो आप जब लाइन डाउन में भी करते हैं कोशिश कीजिए कि आप अपने हाथों को थाई के नीचे की तरफ रख के स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करेंगे हमारी काफ मसल्स के लिए जो हमारी थाई मसल्स को अटैच्ड हैं, जो हमारी बैक पे अटैच्ड हैं। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज वील ट्राई टू डू अ लंजिंग मूवमेंट जहां पर किसी भी एक पैर को आप आगे लेंगे और फिर दोनों नीज को बेंड करके फ्लेक्स करेंगे और जो पीछे वाला नी है वहां की काफ मसल्स पे आप जब स्ट्रेच फील करें यू स्टार्ट काउंटिंग विथ 1, 2, 3, 4, 5 एंड बैक टू नॉर्मल। यही चीज़ हम ऑपोजिट लेग पे करेंगे विथ योर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, बेंड योर नीज। आप दोनों नीज को, खास करके पीछे के नी को, आप उतना ही बेंड करें जितना कि आपकी हील टच में रहे फ्लोर के साथ एंड व्हेन यू फील द स्ट्रेच 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन कम बैक। नंबर ऑफ रेपिटेशंस गाइडेंस में करें फिजियोथेरेपिस्ट की। हो सकता है कि आपने एक्सरसाइज कभी ना की हो तो आपको किसी किस्म का कैच या स्प्रेन ना आ जाए। स्टार्ट विथ 3 रेपिटेशंस एंड देन यू कैन प्रोग्रेस। आप दोनों नीज को, खास करके पीछे के नी को, आप उतना ही बेंड करें जितना कि आपकी हील टच में रहे फ्लोर के साथ एंड व्हेन यू फील द स्ट्रेच 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन कम बैक। नंबर ऑफ रेपिटेशंस गाइडेंस में करें फिजियोथेरेपिस्ट की। आपने देखा गुड पॉस्चर्स, बैड पॉस्चर्स। बैड पॉस्चर्स की वजह से आपकी पूरी स्पाइन में, पूरी बॉडी में किस तरह से इम्बैलेंस होता है, और हमने कुछ पॉस्चरल टिप्स भी सीखी। मुझे उम्मीद है कि ये सारी पॉस्चरल एक्सरसाइजेज और टिप्स को आप अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे।
तो मैं डॉक्टर सादिया वंजारा अब आपसे इजाज़त लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे. टिल देन यू टेक केयर एंड गुड बाय. फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल फिटविट.